Question number 4, and the question is, who are the users of accounting? Means users कौन कौन से होते हैं, मतलब user कौन कौन होता है accounting का, वो हमें बताना है. तो solution is that users of accounting information are bifurcated in two categories as internal user and external user. Internal user and external users. Then the first internal users, these are the users who are internal to an organization. Such users have a direct access to the financial statements of a business. Some of the internal users are given below. First, owners. Second, management. Third, employees and workers. पहला होता है कोई उस कंपनी का मालिक, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, जो कि कोई भी हो सकता है, शेयर होल्डर्स भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअली कोई वो एक पर्सन भी हो सकता है. दैन सेकंड में आता है मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का वो. एंड थर्ड, एम्प्लॉय वर्कर्स जो होते हैं वहाँ के वो. एंड एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूज़र्स आर दोज हु आर आउटसाइडर्स, यानी कि वो आउटसाइडर्स होते हैं टू अन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. वो इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ बिजनेस के अंदर. तो वो भी हमें हमारे अकाउंट्स वगैरह को देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स. दीज यूज़र्स डू नॉट हैव एन डायरेक्ट एक्सेस, मतलब उन यूज़र के पास क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस को देखने के लिए. द फॉलोइंग पार्टीज़ कम अंडर द हेड ऑफ एक्सटर्नल यूज़र्स. ये फॉलोइंग पार्टीज़ हैं जो एक्सटर्नल यूज़र्स के अंडर फॉल करती हैं. फर्स्ट, banks and financial institutions. Second, investors and potential investors. Third, creditors. Fourth, tax authorities. Fifth, government. So these and the 6th, 7th, 8th also there. So 6th is consumer, yes, very important, consumer. 7th, researchers. And 8th is public, public as a whole. These are the external users of any accounts of an organization. And these are the external users. Internal users and external users. Thank you.